हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी है कच्चे केले की सब्जी। हाँ, आपने पके केले तो बहुत खाए होंगे, आज क्यों ना हम कच्चे केले की सब्जी बना लें। और ये सब्जी बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी होगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन के साथ। चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कच्चे केले। तो यहाँ 3 केले लिए हैं और वजन में देखा जाए तो ये 300 ग्राम जितने हैं। अब इनका छिलका निकालना होगा हमें, तो इस तरीके से दोनों साइड से काट कर चाकू की हेल्प से इसका छिलका निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालना है, तो देखिए छिलका निकाल लेंगे हम सारे केलों का। हम आज केले की सब्जी ग्रेवी वाली बनाएंगे। इसकी सूखी सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन ग्रेवी वाली मुझे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने केले के छिलके निकाल लिए हैं। सारे केले के छिलके इस तरीके से छील लीजिए और पीसेस में काट लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे केले हम काट लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे केले काट लिए हैं और धो भी लिए हैं। इस पे हम आधा चम्मच नमक छिड़क देते हैं और थोड़ी सी हल्दी छिड़क देते हैं और मिक्स कर करके इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए, और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मैं। अब मसाला देख लेते हैं। तो मसाले के लिए ली है 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, एक छोटे साइज का प्याज, एक छोटे साइज का टमेटो और आधा चम्मच जीरा। तो इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है। मिक्सर जार में पेस्ट बना लेंगे हम। इसमें आधा चम्मच में गरम मसाला डाल देती हूँ, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, आप कोई सा भी ले लीजिए। और एक चम्मच धनिया पाउडर साथ ही डाल देंगे हम और ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब 10 मिनट बाद हम देखते हैं, तो केले से देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलने लगा है। नमक और हल्दी डाला था हमने इसलिए। और एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है मैंने और इसमें सारे केले के पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, पकोड़े जैसे करते हैं वैसे। तो देखिए अल्टी पल्टी करते हुए हम इनके पकने तक इनको फ्राई करेंगे। जल्दी ही पक जाएंगे, 5 मिनट लगेगा बस। अल्टी पल्टी करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, जब तक ये पक न जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गया है और सारे केले के पीसेस अच्छी तरीके से पक गए हैं, ये देखिए। अब इनको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो सारे पीसेस मैंने निकाल लिया है और पैन का बचा हुआ ऑयल मैंने एक दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। तो देखिए थोड़ा ऑयल और ऐड कर दिया है और मसालों का पेस्ट भी हमारा रेडी है। तो ऑयल गर्म होने के बाद मसालों का पेस्ट इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा संभल के डालिएगा, इस टाइम तेल बहुत उड़ता है। तो देखिए सारा मसाले का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और इसमें स्पैचुला चलाते हुए हमें थोड़ी देर भूनना है मीडियम फ्लेम पे। तो मसाला अच्छे से भूनना चाहिए किसी भी सब्जी का, तो सब्जी का टेस्ट और कलर अच्छा आता है। देखिए थोड़ा मसाला भून गया है, तो एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 चुटकी जितनी मैंने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि हमने केले के पीसेस में भी हल्दी पाउडर डाला था। और नमक भी संभल के डालिएगा, क्योंकि केले के पीसेस में भी नमक डाला था। और कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा और तीखी नहीं लगेगी। आप ज़्यादा मिर्च खाते हो तो तीखी वाली मिर्च भी डाल दीजिए या हरी मिर्च डाल दीजिए। तो तीखी बिल्कुल नहीं है ये सब्जी, आपको कलर अच्छा दिखेगा। लेकिन अब देखिए इस पैन को धोकर थोड़ा पानी में इसमें डाल देती हूँ। तो ड्राई मसाले भी हमने यहाँ पे भून लिए थे थोड़ी देर और थोड़ा पानी डाल दिया है। और अच्छे से भून लेते हैं जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और देखिए भूनते भूनते कलर भी कितना अच्छा आ गया है। 5 मिनट तो आपको लग जाएंगे पूरा मसाला भूनने की प्रोसेस में। मसाला अच्छे से भूनने के बाद फ्राई किए हुए केले के पीसेस भी डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और सीम फ्लेम पे हम इनको थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि केले के पीसेस अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब कर ले। 2 मिनट बाद देखिए हम खोलते हैं, थोड़ा स्पैचुला चला दीजिए और मैं यहाँ पे 250 ml जितना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे तरी वाली सब्जी बना रही हूँ, सूखी नहीं बना रही हूँ, तो मैंने गर्म पानी ऐड किया है, इसलिए बहुत जल्दी से उबाल आने लगा है सब्जी में। तो 2-3 मिनट आप ढककर इसे छोड़ दीजिए। मैंने पूरा 250 ml जितना पानी इसमें डाला है और देखिए अब मिक्स कर दिया है। अब ढक देती हूँ मैं और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे रखा था और खोल के देखा है तो अच्छे से बॉईल आ गया है सब्जी में, और हमारी सब्जी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। और कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और है ना बनाने में एकदम सिंपल। और इसकी तरी आपको अभी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही ये सब्जी ठंडी होने लगेगी तो तरी थोड़ी गाढ़ी आने लगेगी। सब्जी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।